तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आज काफ़ी दिन बाद एक अगेन न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शशका टाइम में। क्या यार, ये एक RGB कीबोर्ड लिया था काफ़ी टाइम पहले, तो आज इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है जो प्राइसेस बढ़ चुकी है ना। और ये मैंने 4500 में कीबोर्ड ख़रीदा था, ये RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है। आज जब मैं इसके वीडियो से पहले मैं इसके ऑप्शन चेक कर रहा था, तो ये ऑप्शन चेक करने के बाद यार दिल खुश हो गया कि यार मैंने इतने में ये चीज़ ले ली थी, और आज सेम चीज़ ही पूछो तो भाई 7-8 हज़ार में पहुँची हुई है। मे बी सस्ती भी मिल जाए, बट मे बी क्वालिटी वेरी करती है। और यहाँ पे पाकिस्तान में इशू यही है कि भाई आपको एक नंबर से लेके 10 नंबर तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक नंबर तो नहीं, 3 नंबर से लेके 10 नंबर तक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब 2 नंबर वाला टाइम भी गुजर चुका है। तो बात करते हैं आज की प्रोडक्ट की। आज की प्रोडक्ट जो है वो सीजनल प्रोडक्ट है। हीटर की बात करते हैं, हीटर सबकी ज़रूरत होती है। अब कुंवारे बंदे की बात करें तो वैसे ही गर्म रहता है, और लोगों की बात करें तो उनके दिमाग गर्म रहते हैं, और लड़कियों की बात करें तो वो हॉट रहती है। उन सबको निकालते हुए हम लोग बात करते हैं हीटर की। हीटर जो है वो बेसिक नीड है इस टाइम, ऑफिस में यूज़ करने के लिए चाहिए होता है, समटाइम्स आपको अपने घर पर भी चाहिए होता है, बच्चों के लिए चाहिए होता है। तो उसमें मैं काफ़ी टाइम से ना कुछ अच्छी प्रोडक्ट देख रहा है, सर्च कर रहा था मुझे कुछ हीटर मिल जाए। और आजकल वैसे ही इलेक्ट्रिक हीटर मिल रहे होते हैं, तो ब्लोअर वाले जो होते हैं, तो मैंने ये हीटर देखा। इस हीटर में जो है 2-3 चीज़ें हैं जो न्यू है, न्यू तो नहीं है, कॉमन ही है। इसमें ठंडी गर्म दोनों हवाएं दे देता है ये, अगर इसके साइड पे होल्डर है। और इसकी अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ आपके साथ, अगर मैं इसकी स्पेक्स की बात करूँ तो ये जो है 1000 वाट से 2000 वाट तक का जो है हीटर है। इसके साइड पे जो बटन मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो ये सामने जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो इसकी ये ऊपर बड़ी LED है, और ये जो है ना ये आपके पैसे पूरे कर देती है LED। ये आप इसका व्यू अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये जब चलता है ना आप इसको जितनी देर चाहे देख सकते हैं। ये मैं इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ऑन किया ना और मैंने देखा, तो मैं इसको बहुत टाइम तक इसको रिपीटेडली देखता रहा कि यार ये कितना खूबसूरत है। यू कैन इवन सी दैट ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके अंदर दो ही फीचर्स होते हैं, एक कूल और एक वार्म का, मतलब आप हीटर ऑन कर लें या हीटर ऑफ कर दें और आपका ब्लोअर चलता रहेगा। और इसके बाद ये एडजस्टेबल है, यानी ये रोटेट होता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने थोड़ा सा दूर रखा हुआ और आप अगर इसको रोटेट करें तो ये आपको गर्म हवा राइट लेफ्ट जो है वो थ्रू करता रहता है। और ओवरहीट प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, मतलब ये ओवरहीट नहीं हो जाता। ये जो प्रोडक्ट है ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है। तो इसको हीगर लावा रोटेटिंग ब्लोअर कहते हैं, मैं आपको टाइप कर देता हूँ। हीगर ब्रांड है और लावा रोटेटिंग ब्लोअर इसको कहते हैं। और दैट्स प्रीटी मच इट। अगर ओवरऑल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस की बात की जाए ना, तो यार आई लव दिस प्रोडक्ट एंड यू विल लव दिस प्रोडक्ट टू। बट कंपेरेटिवली थोड़ी सी प्राइस हाई मुझे लगी है, लेकिन जो मैंने मार्केट में लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जब कंपेयर की ना, तो यार इसकी प्राइस मुझे कम लगी, क्योंकि वहाँ पे 9-10 हज़ार से भी शुरू हो रहे हैं। मे बी आपको सस्ते ही मिल जाए, बट मेरे ख्याल से क्वालिटी जो है ना इसकी वो अल्टीमेट है, सुपर्ब है। दैट वॉज प्रीटी मच इट। और अगली आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको पता है आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कर दो। अभी और काफ़ी सारी नई चीज़ें आने वाली हैं, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय।